में अब आता है बहुत और भी एक मजेदार पार्ट जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा. वी विल डू क्रिस्टल स्कल हीलिंग. क्रिस्टल स्कल्स दे आर दी डिवाइन बीइंग्स. बहुत बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स बिफोर जब ये अर्थ बनी थी, तो बहुत जैसे आप पढ़ने में आता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट सभी सिविलाइजेशन थी वहां पर. आपने सुना होगा एटलांटियन, लेमूरियन और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी. उन्हीं सभ्यताओं हमें कैसे पता चला, वो तो सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन कुछ ऐसे क्रिस्टल पीसेस उन सभ्यताओं से पास हो गए. अब धीरे धीरे हर सभ्यता से पास हुए, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन थी, और वो जो कुछ इंफॉर्मेशन थी जब वो स्कल, जो क्रिस्टल स्कल है, दे आर अ पार्ट ऑफ दो सिविलाइजेशंस. उन सिविलाइजेशंस में क्या होता था, देखिए मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी जिससे आपको समझ आए और आपका एक विश्वास बैठे ये होता क्या है. वहां पे जो शमंस होते थे, आज शमंस आपने पता ही है कि क्या होते हैं, कि जब किसी भी ट्राइब में या किसी सिविलाइजेशन में कोई भी प्रीस्ट होता है या हाईएस्ट प्रीस्ट होता है जिनकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाई होती है, वो शमंस जिनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर पूरी की पूरी कम्युनिटी भरोसा करती थी. ठीक है, तो उस वक्त वो जो सिविलाइजेशन थी हमसे भी बहुत ज्यादा एडवांस थी. अब उनमें बहुत समझ थी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें भी डाउनलोड हुई है उन्हीं क्रिस्टल से. वो लोग क्या करते थे, उनके पास हर घर में ऐसे ही एक क्रिस्टल स्कल होता था, एंड दे यूज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस. मतलब वो अपनी जिंदगी की सारी इंफॉर्मेशन हर रोज उस स्कल के अंदर ट्रांसफर कर देते थे. ठीक है. Thank you.